नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अपने ब्लॉग के बारे में कि उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक नया ब्लॉग जो कि हमें अपने वेबसाइट पे क्रिएट करना है, तो उसको उस पर कैसे वर्क करते हैं, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर पर जाते हैं, ब्लॉग्स पर जाते हैं। दोस्तों, ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट पर हम मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ आप बार बार अपने प्रोजेक्ट पे करना चाहते हैं तो उस पर स्ट्रक्चर पे जाएं, फिर इसके बाद ब्लॉक्स पे जाएं, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो कि आपका टाइम बचेगा, तो आप इसको शॉर्टकट्स में सेव कर दीजिए, जो कि आप ब्लॉक्स यहाँ आपका बन गया शॉर्टकट्स में। तो आप इसे वन क्लिक में, आप जैसे मैं यहाँ होम पेज पर था और मुझे ब्लॉक पर जाना है, तो मैं डायरेक्टली वन क्लिक करूँगा और अपने ब्लॉक पर आ जाऊँगा। तो आइए क्रिएट करते हैं एक नया ब्लॉग। जो आपको अपने ब्लॉग का टाइटल रखना है वो आप दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन आप जो देना चाहते हैं वो दे दीजिए। यहाँ पर ब्लॉग की जो बॉडी है, इस ब्लॉग में जो आपको दिखाना है अपनी वेबसाइट पे, ये वो बॉडी है। यहाँ पर आप सेट कर, यहाँ पर आप वो कंटेंट या कुछ भी आपको जो दिखाना है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका टेक्स्ट फॉर्मेट आप किस में रखना चाहते हैं। अगर HTML की कोडिंग आप करना चाहते हैं और वो उसको सपोर्ट करे, तो आपको HTML सेट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर रीजन्स की सेटिंग्स हैं, आपको अपनी थीम में किस रीजन में वो ब्लॉक आपको दिखाना है। हम इस ब्लॉक को फ़िलहाल सेकंड साइड बार सेकंड में रखेंगे, और उस विजिबिलिटी सेटिंग में हम केवल इसको अपने होम पेज पे सेट करेंगे। उसके लिए उसके बाद सेव कर देंगे ब्लॉक को, देखते हैं अपीयर हुआ कि नहीं। ये देखिए, अपने होम पेज पे जो ब्लॉक सेट किया था वो ब्लॉक यहाँ पर आ गया। ये इसकी उसका टाइटल था, ये उसकी बॉडी जो आपने कंटेंट डाला था वो आ गया। तो दोस्तों, ये था कि अपने ड्रूपल वेबसाइट पे आप कैसे ब्लॉक क्रिएट करें और उसको अपने कहीं पर भी अपनी वेबसाइट में शो करना चाहें, किसी भी रीज़न में डालें। तो ये वीडियो इस पर था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।